आ जाओ जी। अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ जी एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में केस थ्री। देखो फर्स्ट केस और सेकंड केस हम सीख चुके हैं, उसके वीडियोस भी यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, आप देख सकते हो वहाँ से। केस वन में हमने सीखा था कि जब नया पार्टनर एडमिट होता है और सिर्फ नए पार्टनर का शेयर दिया होता है, वो केस हमने मान लिया था फर्स्ट है। केस टू में क्या था, जब पुराने पार्टनर्स अपने शेयर में से कुछ हिस्सा किसको देते हैं, नए पार्टनर को, वहां वर्ड लिखा होता है फ्रॉम हिज शेयर। ए सरेंडर्स 1/3 फ्रॉम हिज शेयर, बी सरेंडर्स 1/4 फ्रॉम हिज शेयर, ठीक है जी। तो केस सेकंड मान लेते हैं, वर्ड लिखा होता है फ्रॉम। अब केस थ्री कब मानते हैं, जब वर्ड लिखा होता है ऑफ, ठीक है जी। वैसे देखो मैंने आपको पहले भी कहा था कि 5-6 केसेस हैं, लेकिन मैं इसको ब्रॉडली 3 ही केसेस में रखूंगा ताकि याद कम करना पड़े। ना आपको कोई सरेंडर देखना है, ना टेक्स एक्वायर्स गेट्स, कुछ नहीं देखना। आपको सिर्फ दो वर्ड याद रखने हैं, फ्रॉम लिखा है सेकंड केस, ऑफ लिखा है फर्स्ट केस, सॉरी ऑफ लिखा है तो थर्ड केस, ठीक है जी। कुछ नहीं लिखा है तो फर्स्ट केस। अब करना क्या है, क्वेश्चन कैसे लिखा होगा, केस है थर्ड, व्हेन ओल्ड पार्टनर सरेंडर सम पार्ट ऑफ देयर शेयर, द वर्ड इंपॉर्टेंट इज ऑफ, अपने शेयर का एक हिस्सा किसको देंगे, हम नए पार्टनर को देंगे। क्वेश्चन लिखा होगा ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2, सी इज एडमिटेड, ए सरेंडर्स 1/3 ऑफ हिज शेयर टू सी, बी सरेंडर्स 1/4 ऑफ हिज शेयर टू सी। तो वर्ड लिखा है ऑफ ए शेयर, कैलकुलेट करनी है न्यू रेशियो। तो ए अपने शेयर का 1/3 किसको देगा, सी को। तो उसका शेयर कितना है भाई, हमने निकाला भाई सी ए का शेयर कितना है 3/5, तो ए सरेंडर कितना करेगा अपने शेयर, यानी कि 3/5 का 1/3, का 1/3 मतलब इनटू 1/3 किया तो कितना सरेंडर आ गया ए का 1/5। ऐसे ही बी सरेंडर, बी कितना शेयर दे रहा है भाई 2/5, बी का सरेंडर है अपने शेयर का 1/4, सॉल्व किया कितना आ गया 1/10, तो ए का सरेंडर बी का सरेंडर दोनों आ गए जी, आ गए जी। एज न्यू शेयर, अब कैसे पता लगेगा भाई ए का न्यू शेयर कितना है, भाई पहले कितना था उसका 3/5, उसमें से कितना सरेंडर कर दिया उसने 1/5, माइनस कर दिया बच गए कितने 2/5। आगे का भी बताता हूं, बी का नया शेयर कितना होगा, पहले से कितना है उसका 2/5, कितना सरेंडर किया उसने 1/10, माइनस कर दिया 2/5 माइनस 1/10 यानी कि 3/10, ठीक है जी। ऐसे ही सी का शेयर कितना, भाई उसके पास पहले से तो कुछ था नहीं, जितना ए ने सरेंडर किया वो मिला उसे और जितना बी ने सरेंडर किया वो मिला उसे, तो जो मिला उसे ए का सरेंडर 1/5 और बी का सरेंडर 1/10, दोनों को प्लस कर दिया तो कितना मिल गया उसे 3/10, तो सी का शेयर हो गया। अब ये दोनों डिनोमिनेटर 10 है लेकिन ये 5 है, डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए 2/2 से मल्टीप्लाई कर दूं, कर दिया जी, डिनोमिनेटर बराबर हो गए, रेशियो क्या आ गई 4:3:3, टोटल करा कितना आ गया 10, ठीक है जी, क्लियर है। अब एक चीज और ध्यान रखना कि थर्ड केस है, थर्ड केस का मतलब होता है 1+2। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि फर्स्ट केस में हमने मल्टीप्लाई किया था, सेकंड केस में हमने माइनस किया था जब फ्रॉम लिखा हुआ था, और थर्ड केस में यानी कि 1+2 थर्ड केस में पहले मल्टीप्लाई किया और फिर माइनस, तो बन गया थर्ड केस, क्लियर है जी। यहां पर क्या दिया हुआ है ऑफ, याद रखना सिर्फ दो ही वर्ड्स याद रखने, फ्रॉम लिखा है सेकंड केस, ऑफ लिखा है थर्ड केस, टेक्स गेट सरेंडर वगैरह सब इग्नोर कर दो, ठीक है जी। फिर भी कोई डाउट आए तो मैं बैठा हूं, अब क्लियर हो गया जी।